अच्छा से अभी जवरिया जोड़ी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी थी, लव स्टोरी अच्छी लगी उसकी। ओके, परफॉर्मेंस की बात करते हुए सिद्धार्थ और परिणीति की जोड़ी कैसी लगी आपको? बेस्ट मूवी थी वो, मींस अच्छी जोड़ी लगी हमको। करे तो सिद्धार्थ और परिणीति कैसे लगी आपको? अच्छे, उन्होंने पहले भी फिल्म की हुई है तो जोड़ी अच्छी है। ओके, जावेद जाफरी जी के बारे में क्या कहना है? बहुत ही अलग कैरेक्टर निभा रहे हैं इस बार। बहुत बढ़िया एक्टर हैं भाई, वो तो पुराने एक्टर हैं, उनका क्या बताएं हम। ओके, कितना स्टार देना चाहेंगे बायो टॉप? 3.5 इज ओके। थैंक यू, नाइस। अच्छी इंटरेस्टिंग है, वो सेम ओल्ड स्टोरी है लेकिन एक्टिंग अच्छा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और वो काफ़ी अच्छा कपल है, ऑन स्क्रीन अच्छा कपल है तो एंटरटेनिंग था। ओके, कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना है? जो कॉन्सेप्ट आया है ये कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है, कॉन्सेप्ट में कुछ नया नहीं है, खाली वो कपल एज ए न्यू एक्टर्स अच्छे दिखते हैं। ओके, कितना स्टार देना चाहेंगे बायो टॉप? 2.5 to 3 स्टार्स। So, मैं आपने जस्ट ना जबरिया मूवी देखी, कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी। जोड़ी की बात करें तो सिद्धार्थ और परिणीति की कैसी लगी आपको? सुपर। कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉरी का है, जो है बिहार में जो होते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है, और इन लोगों की जो लव स्टोरी है ना वो बहुत अच्छी है, सुपर है। ये सबसे हटके मूवी बनी है बॉलीवुड से, भोजपुरी से सबसे हटके बनी है। इसमें का जो कोई कोई मोमेंट है, जैसे कि वो अपना मंडप छोड़ के आता है इससे शादी करने, वहाँ का जो सीन है ना एकदम फंटास्टिक, सुपर। ओके, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत भाग? वही जो अपना मंडप छोड़ के आता है एकदम बिंदास, जैसे कि सारी दुनिया को छोड़ के एकदम, वो बहुत अच्छा लगा। ओके, बायो टॉप कितना शादी देना चाहिए? एज ऑलवेज यार, हंसी तो फंसी में भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, दोनों का पेयर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक दे शुड वर्क मोर, और बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग। मूवी में जो वन लाइनर है रियल लाइफ में भी बहुत अच्छी दिखती है। कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना चाहेगा? जो बिहार में जो जबरदस्ती जो शादी होती है उसके बारे में क्या कहना? कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा चूज किया है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि डाउरी नहीं देना पड़े तो इसलिए फोर्स मैरिजेस होती है, तो इसको सीरियस वे में दिखाने से बेटर था कि इन लोगों ने मैसेज भी अच्छा कन्वे कर दिया ऑडियंस को, एंड एंटरटेनिंग भी रखा है मूवी को। वन लाइनर के बारे में क्या कहना चाहिए? जो वन लाइनर है मूवी, वन लाइनर जो डायलॉग्स है, जो हाँ वे में है, वो उसके बारे में क्या कहना? वो भी बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, डायलॉग जिसने भी लिखे हैं बहुत ही अच्छे लिखे हैं, काफ़ी फ्रेश हैं, काफ़ी ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हंसाने की कोशिश कर रहे, तो दे आर नाइस। ओके, 5 out of 5 कितना शायद देना चाहिए? 5 out of 5 फॉर सेड। थैंक यू। ओके, तो सर आपने जब भी जबरिया जोड़ी देखी कैसी लगी मूवी? जबरिया जोड़ी के सभी यूनिट, सभी आर्टिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का सिनेमा बनाने के लिए, खास करके फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस तरह का सिनेमा बनाने के लिए। ओके, जो सिद्धार्थ ने जो बोली पकड़ी है बिहारी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपको बता दूं, मेरा नाम संजय भूषण पटियाला है और मैं खुद पटना का रहने वाला हूं, और पटना में एक जगह है मीठापुर, जिस जगह का डायरेक्टर ने यूज़ किया है नाम का, मज़ा आ गया, और पटना के लैंग्वेज को सुनकर और मुझे फिल्म देखने में इंजॉय हुआ। हर में मैं खुद बैठा हुआ हॉल में, सारे पब्लिक ताली मार रहे थे, सीटी बजा रहे थे। ओके, मूवी में जो We'll be right back.